पिछड़ी भाई बोल तो मत मारा कर तो बात समझ घर की बहुरानी कौन ना तुम दोनों हरामी हो भाई तुम दोनों पे मैं नहीं विश्वास कर सकता क्या बताया ज्यादा सुनी नहीं है तुझे डिजाइनिंग वाला दिखाइएगा एकदम स्मार्ट लगना चाहिए झाड़ू वाड़ू लग गया हाय कच्चे में झाड़ू हम लोग क्या करते क्या नहीं करते वो आपको हम दिखाएंगे ब्रो अपू नि गुड्डू भैया परवल कैसे काटते यार कहानी सुनो जुबानी सुनो तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो आप लोग अरे खाना वाना खा रहे थे क्या आप लोग नहीं खा रहे तो खा रहे तो दिल से सॉरी तो पहले हम बोलना चाहते हैं कि हमारा दूसरा दिन का ब्लॉग है जो कब अपलोड होगा हमरा नहीं पता और कहाँ पहले ये बता भाई तुम भाई एक बार बताओ भाई इनसे मिलने आए तो भी इज्जत नहीं देते बता समझ रहे हो भाई का इज्जत है तुम्हारे पास इज्जत है ही नहीं इज्जत नहीं है तो क्या हो गया भाई हल्के में ले रहा है पूरा 40 किलो का हूँ तो भैया आज हमारा सेकंड डे मतलब फर्स्ट ही डे है ना गुड्डू भैया आज मैं ना गुड्डू भैया के घर आया हूँ मतलब कल आया था तो इनके घर रहने वहने का नहीं एक टाइम तुम भाई बहन बनते हो तो एक टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते नहीं यार नहीं यार मैं आपको कहाँ से बोल सकता हूँ यार देखो एक तो मैं आपसे इतना दिन गर्लफ्रेंड है तो भाई चलो आज ज़्यादा देरी नहीं करते मध्य ज़्यादा करते और इधर देख लो बहुत ज़्यादा धूप धाप है और भैया देखो ये गुड्डू भाई का घर जो हमें दिखाना नहीं चाहिए पर लेकिन दिखा देता हूँ तो भाई मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सोचोगे कि मैं गुड्डू के घर क्या करने आया हूँ ठीक है तो सीधी सीधी बात नहीं कल आया था वो मुझे पता है पर एक चीज़ उन लोगों को बता देता हूँ मैं सीधी सीधी बात तो मैं आया था पटना ठीक है पटना राधा से सिर्फ मिलने आया तो राधा ने बताया अरे राधा ने फिर आपसे मिलवाया वे मतलब तुम मतलब क्या बोलते भाभी से मिलने आया बिना भैया से पूछे भाई मेरी वीडियो में जाके देखना कौन भाभी है कौन क्या है भाई आप लोग सपोर्ट करो यार तुम्हारा भाई यहाँ पे पिटेगा भाई क्योंकि अपना घर नहीं है भाई समझ रहे हो कबड्डी मुश्किल से खाना मिलता है अरे किसी ये आदमी है कि जानवर एक टाइम पे रंग बदल देती है भाई मतलब लड़के लड़के होते हैं लड़कियां लड़के ही होते हैं धूम है कौन क्या बोल रहे तुमने अरे बाप रे कितना सुंदर लग रही थी अभी अरे एक बात बताओ इसे देखते हो ना मैं सारा सुकून हट और जब तुम दोनों को देखते हो तो मैं इतना अंदर से खून खोलता है पर नहीं मैं क्या कर सकता हूँ बर्दाश्त कर सकता हूँ उससे ज्यादा
मैं देखो अभी सीधी बात है कि पहला दिन है ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा आप दोनों को। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, ये लोग ऐसी बात बात करते हैं, आप लोगों को पता ही, और मैं इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपने ब्लॉग पे ध्यान देता हूँ, और ज्यादा देरी नहीं करते। और अभी मेरे को मधुबनी जाना है। मधुबनी एक्चुअली काम है, कुछ कुर्ता लेना है, मतलब कपड़ा लेना है, कोई काम है इस वजह से। वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कुछ दिन बाद। हाँ बहुत एक्चुअली पता ये चलेगा क्योंकि राधा, आपको ये भी पता चल जाएगा मैं मेरी बन चुकी है ना। नहीं आपको ये भी पता चलना पड़ेगा, इसीलिए रुको ना भाई, रुक जाना यार। कौन मेरा इस बार बहुत करा, दोनों मारते यार। देखो तुम्हारा भाई कितना बर्दाश्त करता है। देखो मैं सीधा बात बोल देता हूँ, गुड्डू भैया के साथ मैं आया हूँ, गुड्डू भैया के घर कुछ काम वाम है, तो वो कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा आपको क्या काम है क्या नहीं है। बहुत बवाल वाला काम था, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, अभी मेरे को मधुबनी जाना है, और उसके बाद फिर दादा हेलो नहीं रहने देना, इनके साथ बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, तो चलो चलते हैं। A few moments later. अरे भाई फाइनली ले लिया सामान वामान, ज्यादा देरी नहीं करते, अब चलना है, बाइक बाइक उठाना है, और तुम्हारा कुर्ती लेने के लिए, कुर्ता कुर्ती जो होता है मिथिलांचल में, जानते हो कुर्ता कुर्ती? कुर्ता कुर्ती हाँ मैं जानते, वो वाला डिजाइन वाला ना, धोती कुर्ता जो इसको बोला जाता है। कुर्ता लूंगा, धोती नहीं लूंगा। चलो चलिए फिर, कुछ काम है इसलिए। तो जा रहे भाई कुर्ता वुर्ता लेके आते हैं, उसके बाद फिर से मिलते हैं आपसे। और भैया हम कुर्ती लेने आए, दुकान में बैठ गए, तीन वो दुकान से घूम गए, हम ब्लॉग व्लॉग नहीं बना रहे थे, कल दिमाग खराब हो गया एक वजह से। और भैया को भैया दिखाइए ना जल्दी जल्दी, हाँ डिजाइनिंग वाला दिखाइएगा वीडियो में, एकदम स्मार्ट लगना चाहिए। भैया बोल रहे हैं मतलब शादी वाला कुर्ती सब देने, अभी शादी थोड़ी करना है, तो पता है शादी वाला कुर्ती दिखा रहे हैं, सबके कोई काम है मतलब यूनिक ऑर्डर भैया, शादी वाला है ना, हमें शादी वाला तो नहीं चाहिए, अभी हमारा डिजाइन वाला चाहिए, मतलब रील वील शूट करना है, और कुछ काम भी है ना एक वजह से। अब देखते कौन सा पसंद आता है कौन सा नहीं आता है, भैया चेकआउट ही कर रहे हैं अभी तक, बंद हो हाँ, तो अभी हम बंद करते हैं, आने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम आप सब। गाइस हम लोगों को पसंद आ गया है कुर्ती पजामा, मेरे को नहीं आया, भैया को समझ में आया कुर्ती पजामा है ना भैया, मेरे को नहीं आया, सीधा बोलता हूँ, फिर मेरे को मत बोलना कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है भैया, येलो जचेगा आपसे, हाँ जचेगा, कोई बात देखते क्या होता है। गाइस देख लिया ना आप लोगों ने, ज़्यादा देरी नहीं करते जा रहे हैं, हम फिटिंग विटिंग कराएंगे, उसके बाद देखते कैसा लगता है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात ना, पैसा वैसा बर्बाद होगा और क्या होगा, तो कमी है क्या हल्के में ले रहे होगा पैसा, तो चलो अच्छा पहले। A few moments later. तो गाइस हम आपको बताना चाहते हैं कि कल ब्लॉग बनाना हम भूल गए, मतलब रात बहुत ज़्यादा हो गया था ना घर आते जाते हैं, इसीलिए बताना भूले, और हम भी अभी सुबह सुबह उठ के हमें याद आया कि ब्लॉग एंड भी नहीं किए थे, ना बनाए थे, ना एडिट किए थे, ना अपलोड किए थे, इतने दिन दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप। और भैया झाड़ू वाड़ू लग गया, हाय कच्छे में झाड़ू लगा रहे हैं वे, कुछ भी हुई भाई, चलिए लगाइए कोई बात नहीं, कूड़ा वूड़ा उठाइए, कोई टेंशन नहीं यार, एकदम बिंदास रहने का है। तो भाई इधर झाड़ू वाड़ू लग रहा था, अभी हम तो झाड़ू लगाएंगे नहीं क्योंकि भाई विंडो में नहीं डालूंगा, जा भाई पागल वागल हो गए भाई, नहीं कुछ हुआ नहीं, बस पहले तो झाड़ू वाड़ू लगेगा, और उसके बाद देखते हैं कुछ खाना पीना हो तो खाएंगे। एंड भाई सब तुम्हारा भाई, और दीवाना भैया रात को क्या कर रहे थे? सो रहे थे कि 12 बजे भाई फोन, सो रहे थे 1 बजे 12 बजे क्या कर रहे थे? चुम्म चुम्मी गधे, बोलते लड़की से दूर रहने के लिए और खुद 12-1 बजे तक बात करते हुए, नहीं तुम भाई ग्रेट हो भाई ग्रेट भाई, देख रहे हो बोलते पता है क्या, 1-2 बजे तक दूर रहने, मतलब बोलते कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए, हाँ भाई रहना तो चाहिए, रात को 1 बजे तक लड़की से वीडियो कॉलिंग चलती है भाई, ऐसा बंदा देख रहे हो। तो अभी देखते यार फ्रेश व्रेश होता हूँ, बहुत सुबह सुबह उठा हूँ, पता नहीं मुँह पे कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, तो अभी तो इधर मैं मिलता हूँ मैं। और भैया पहली बार मेरी वीडियो में कच्चे में आ रहे हो, पता हो तो। तो गाइज आप लोगों ने गुड्डू भैया का क्या देखा है, रिएक्शन वीडियो ना, रियलिटी का भी देखा है एंड हमारी भी रियलिटी, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आपको हम दिखाएंगे ब्रो, अपुन स्पेशल में, तो तुम्हारा भाई पता ना एक्सपर्ट नहीं है पता ही। ये देखो गुड्डू भैया परवल कैसे काटते हैं यार, वो तो पता है फसल से काटते हैं ये भाई, वीडियो में आ गया बिना कपड़े के, वायरल है भाई तू, अरे स्ट्राइक कोई बात नहीं भाई, देख रहे बड़े बड़े वाले स्ट्राइक मारेंगे,
पहने हैं। अरे काट रहे हो ना भैया, अरे साइड जो ना गोरे नहीं आएंगे यार, काले दिखेंगे। देखो आप लग रहे हैं ना हम दोनों गोरे, और पहले तो हमें सब्जी वब्जी बनानी है, उसके बाद क्या बनाओगे भैया? उसके बाद चावल बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद हल देंगे। हाँ तो उसके बाद फिर मेरे को जाना है कहीं, मेरे को और सबको जाना है, कोई कुछ सीन वीन हो या क्या नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता, और तगड़ा ब्लॉग आज निकालना है, तो ये ब्लॉग तो पता नहीं कब का हुआ कब का नहीं हुआ। तो फाइनली गाइस अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करता हूँ कुछ खाना वाना बनाने के बाद। तो भैया इस ब्लॉग को करते हैं हम एंड, क्योंकि हमारा ब्लॉग में मतलब वो क्या बोलते हैं आज का कंटेंट आज दिखाएंगे ना, तो कल वाली वीडियो में क्या दिखोगे हैं? आज पूरा दिखा देंगे तो क्या देखिएगा भाई, तो कल भी कुछ मारा क्यों फिर? एक तो कच्चे में मैं आपको ले रहा हूँ स्टार बना रहा, तो हल्के भी ले रहे हो है? देख रहे हो भाई, मैं कच्चे में एक बार तो वीडियो में ले लेता हूँ तो भी बोल, मैं सोचा था कच्चे में नहीं लेता हूँ इनकी रिस्पेक्ट पे आ जाएगी, पर लेकिन यही बोल रहे नहीं ले लो ले लो, तो तुम्हारे भाई ने ले लिया इस वीडियो में। तो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जो भी हो तक कर देना, मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे तगड़ी और ताबड़तोड़ वीडियो लेके आऊंगा, जो हमारी रियलिटी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अच्छे लगे तो प्लीज यार थोड़ा सा कर देना सपोर्ट, और फिलहाल के लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। तुम्हारे बाबू के बड़ी आती मैं लती है मुंडी काटूंगा। हाँ तो गाइज हम सोच रहे थे कि वीडियो एंड करने से पहले हम किसी और को भी ले लेते हैं जिसको कर लिया था वीडियो में, हम ज्यादा ले नहीं जाए। ओए काजल दादा ब्रश कर दिया अभी, सोच उठ गए। ओए सुनो ना, ओए हेलो, सुनाई नहीं देता एक बार जो बोलते वो हैं? अब चलो निकलो, कोई टेंशन नहीं, मेरे को नहीं लेनी आपको वीडियो में, भाग यहाँ से। बस बस करके मेकअप कर गया, उसके बाद लेते हैं वीडियो में। तो गाइज अब ज्यादा देरी नहीं करते, आप सबको वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जो भी होता कर देना, मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बोलोगे यार? बोल दो यार प्यार से, नहीं बोलना चलो यार छोड़ो यार, दूसरी वीडियो में मिलते हैं भाई अगली वाली वीडियो में। देखो आज क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, पर लेकिन होएगा बहुत तगड़ा भाई। तो चलो आई लव यू गाइस, मिलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते। फलक तक चल साथ मेरे।